Hey guys, welcome back to my channel. So today video is going to be a engagement makeup tutorial. So let's see. Now friends, मैं अपने फेस को CTM ऑलरेडी कर चुकी हूँ. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर जो कि कलर बार की है. आप अपने हिसाब से कोई भी प्राइमर ले सकते हो जो कि अच्छा हो, एंड उसे मैं अप्लाई करूँगी पहले टी जोन एरिया पे, फिर उसके बाद ओवरऑल फेस पे. नाउ मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन जो कि फॉरवर्ड 52 इंडिया का है. मेरा सेट 13 नंबर है. सो आप अपने हिसाब से फाउंडेशन चूज कर सकते हो, एंड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन चूज करें, ना कि बहुत सारा लाइटर ना कि बहुत सारा डार्कर. लाइटर करने से आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा. सो आप अपने हिसाब से ही उसको चूज करें. आपके स्किन शॉट से जस्ट लाइटर 2 शेड आप ले सकते हो, या फिर 1 टोन आपका जैसे अच्छा लगे आप ऐसा ले सकते हो, कोई बात नहीं. या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 शेड आप ले सकते हो. 3 शेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप 2 शेड ही लो तो अच्छा रहेगा. नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर. कंसीलर के लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही यूज करूँगी, एंड इसे ही मैं हाइलाइटर कंसीलर भी यूज करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्कनेस की प्रॉब्लम है नहीं, इस वजह से मैं इसको हाइलाइटर कंसीलर भी यूज करूँगी. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपके फेस पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्पॉट की निशान है और सर्कल की प्रॉब्लम है तो कलर करेक्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि मेरे फेस पे वो करना ज़रूरी नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे कोई भी स्पॉट्स की प्रॉब्लम है नहीं एंड कोई भी डार्क सर्कल है नहीं, इस वजह से मैं कलर करेक्टिंग नहीं करती हूँ. अगर आपको है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं. नाउ मैं कर रही हूँ अपने बेस मेकअप को सेट जो कि लूज पाउडर से, जो फॉरएवर 52 बनाना फ्लेवर से. आप अपने हिसाब से कोई भी लूज पाउडर ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ. ऐसा कोई बात नहीं कि आपको उसी प्रोडक्ट लेना है, लेकिन आप अगर चाहोगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, आप कॉमेंट में ज़रूर बताना. आप जब भी आई मेकअप करोगे उससे पहले आप आइज़ के नीचे थोड़ा ज़्यादा ही पाउडर, लूज पाउडर ले लीजिएगा, ताकि आप अपने जब आई मेकअप करोगे उससे जितना भी डस्ट फॉल आउट होगा उसे अच्छे से हटा सकते हो आपके बेस मेकअप पे और नहीं चिपकेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है. सो नाउ मैं एक आई शेडो पैलेट से लेके अपने आईब्रोज को फिल करूँगी. उस नाउ मैं कर रही हूँ अपना आईज को मेकअप. आई मेकअप करने के लिए मैं लूँगी एक पॉइंटी ब्रश, एंड उसके साथ मैं एक डार्कर पर्पल शेड को लूँगी जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड उसको इस तरह का सी टाइप से बनाऊँगी ताकि वो अच्छे से आई मेकअप आपका. अगर आपका आईज छोटा छोटा है तो आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं, जो कि आपका आई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करेगा. सो लेट्स सी, इसको जितना भी लगाने के बाद आप और एक उससे लाइटर सेट लेना है, या फिर उससे एक थोड़ा सा डार्कर सेट लीजिएगा. डार्कर ज़्यादा हो जाएगा इसके वजह से आप लाइटर सेट लीजिएगा, एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करते जाइएगा अपने आउटर कॉर्नर को फोकस करते हुए. ठीक है, आप जब भी अपनी आईज को मेकअप करने जाओगी एक बात याद ज़रूर रखना, जितने सारे भी आप प्रोडक्ट लोगे उसको अच्छे से ब्लेंड करना. अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे वो केकी हो जाएगा और एंड आपका जो आई मेकअप है वो उभर के नहीं आएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा. सो इस वजह से आप जितने भी प्रोडक्ट लोगे अच्छे से उसको ब्लेंड करना. नाउ अब मैं अपनी आईज को जो हाइलाइटर पार्ट है मैं उसको हाफ कट क्रीज करूँगी, एंड कट क्रीज के लिए मैं कंसीलर लूँगी जो कि अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से करना है, और बहुत ही लाइटर प्रोडक्ट लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है. एंड उसको अच्छे से कट क्रीज करने के टाइम अपने बहुत ही ध्यान से करें ताकि वो अच्छे से बिगड़ न जाए, उसको अच्छे से शेप देना ताकि आपका आईज का जो लुक है वो उभर के आएगा. नाउ मेरा कंप्लीट हो गया है कट क्रीज का लुक. अब मैं करूँगी उसको कलर फिल. सो कलर के लिए मैं करूँगी चूज, आप इसमें गोल्डन भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी ड्रेस के हिसाब से ब्लू को चूज करूँगी. सो जब अपनी आईज पे कलर फिल करना है आप अपने हिसाब से ब्रश से भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने फिंगर के टिप से भी कर सकते हैं, जो कि अच्छे से उसमें चिपक जाएगा, अच्छे से रह जाएगा. एंड ये कलर करने के बाद आप अपने हिसाब से इसमें ग्लिटर ऐड कर सकते हो. मेरे पास अभी ग्लिटर फ़िलहाल है नहीं, इस वजह से मैंने ग्लिटर नहीं लगाया, एंड मुझे मैट वाला अच्छा लग रहा है. ये थोड़ा सा शाइनी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर चाहोगे तो ग्लिटर भी इसमें यूज कर सकते. मैं अब अपने फिंगर टिप की हेल्प से उसे ऐड कर रही हूँ ताकि वो शाइनी बन जाए. एंड नाउ मैं अप्लाई करूँगी एक ब्लैक शेड लेके अपनी आईलाइनर की जगह पे, सो अच्छे से ताकि आपका आई जो है आई का लुक वो क्लियरली आए एंड ब्यूटीफुल लगे. उसके बाद आई मेकअप के बाद जितना भी आपके फेस पे डस्ट आउट हुआ होगा उसको अच्छे से फुल आउट कर लीजिएगा,
एंड मैंने ऑफ कैमरा आईलाइनर लगा लिया है, आप अपने हिसाब से उसको लगा सकते हो। नाउ मैं करूँगी अपने फेस को कंटूर, तो ज़्यादा ही नहीं करूँगी, मैं पाउडर कंटूर करूँगी, मैं क्रीम कंटूर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता फेस पे कंटूर करना। सो मुझे नोज़ पे कंटूर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा नोज़ थोड़ा सा मोटा है इस वजह से। सो नाउ मैं अपनी चीक बोन पे करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी अपनी नोज़ पे, नोज़ एरिया पे करूँगी कंटूर। सो अच्छे से इसको करना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कंटूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो नाउ मैं करूँगी अपनी नोज को हाईलाइटेड, और उसको करने के लिए मैं लूँगी अपनी फिंगर टिप की हेल्प क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ही लगता है, मेरा नोज बहुत शार्प दिखता है, इस वजह से मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से कर रही हूँ। एंड नाउ मैं चिक बोन को भी करूँगी। एंड अदरवाइज अगर आपके पास लिप लाइनर है नहीं तो आप लिपस्टिक को लेके एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से अपने लिप को पहले सेप दीजिएगा, उसके बाद उसको फिल कीजिएगा ताकि उसका लुक जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा आए। नाउ ये मेरा फाइनल लुक है, सो ये लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक। सो नेक्स्ट आपको किस चीज़ की मेकअप चाहिए, किस चीज़ का रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फ्रेंड्स अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ भी रोज़ न्यू पोस्ट डालती रहती हूँ। एंड उसका आईडी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी एंड लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मैं वीडियो जब भी डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, फिल्स ब्यूटी बी स्टाइल्स, बाय फ्रेंड्स।